स्टूडेंट टॉक में आपका स्वागत है। कल ही हमने एक और संकेत दिया था स्टूडेंट टॉक में कि प्लस टू की व दसवीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उनके अंकों की। स्कूल नहीं बोर्ड ही देगा बचे हुए विषयों में अंक। सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट पर जारी किया नोटिफिकेशन। स्कूल नहीं बोर्ड ही बचे हुए विषयों में परीक्षार्थियों को अंक देगा। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनके बेस्ट के आधार पर औसत अंक निकाला जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद असेसमेंट के आधार पर बच्चों को अंक देने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। बोर्ड के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षा में स्कूल नहीं बल्कि बोर्ड ही बच्चों को अंक देगा। इस अंक किस प्रकार दिए जाएंगे, रिजल्ट किस तरह निकाला जाएगा, इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में निर्देश दिया है। इसके तहत चार विषयों की परीक्षा दे चुके छात्रों को बेस्ट इन विषय अंकों के आधार पर होगा। साइंस और आर्ट्स में अधिकांश छात्रों का एक विषय जबकि कॉमर्स वालों की दो विषयों की परीक्षा बची थी। बोर्ड के निर्देशानुसार 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कमेटी देगी इस असेसमेंट स्कीम के आधार पर अंक। सीबीएसई बोर्ड को जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उसमें अंक देने को बोर्ड की ओर से कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने असेसमेंट स्कीम बनाई है, चार पैमानों पर यह स्कीम बनाएगी। सीबीएसई संगठन सतीश कुमार झा सुमन कुमार ने बताया कि इस रीजन में एक या दो विषय की परीक्षा सभी छात्रों की बची थी। ऐसा समझे अंकों के स्कीम को। जिन परीक्षार्थियों ने तीन या तीन से ज्यादा विषय दे रखे थे उनमें से तीन बेस्ट परफॉर्मेंस वाले विषयों के अंकों का औसत उन विषय में दिया जाएगा जिसकी परीक्षा नहीं हुई। जो छात्र सिर्फ तीन विषयों की परीक्षा दे पाए हैं उन तीनों में से बेस्ट दो विषयों में मिले अंकों का औसत उन्हें विषय में दिया जाएगा। जो छात्र सिर्फ तीन विषयों की परीक्षा दे पाए हैं उन तीन में से दो विषयों में मिले अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जो नहीं हुए। बाद में 12वीं की होगी वैकल्पिक परीक्षा। सीबीएसई के नियंत्रक डॉक्टर सेम भारद्वाज ने इस संबंध में निर्देश दिए। रद्द किए गए विषयों का रिजल्ट सीबीएसई की कमेटी के सुझाव पर तैयार किए गए असेसमेंट कमेटी के आधार पर बनेगा। 12वीं के लिए ऑप्शनल परीक्षा होगी। उन छात्रों को उन परीक्षा में बैठने की इजाजत मिलेगी जो असेसमेंट स्कीम पर बने अपने रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं। धन्यवाद।